ज्वेलरी कहाँ है मेरी? मुझे क्या पता, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कहाँ बेची है तुमने मेरी ज्वेलरी? हाँ एक मिनट रिशा, क्या कह रही हो तुम? मम्मी क्या हो गया भाई, आपकी ज्वेलरी क्यों बेचेंगे? क्यों नहीं बेच सकता, पैसों की जरूरत थी इसे। कोई बताएगा मुझे इस घर में क्या हो रहा है? इसी से पूछिए। कोई शख्स इसे ब्लैकमेल कर रहा था, मुझे पूरा यकीन है ज्वेलरी इसी ने गायब की। बताओ कहाँ बेची है, कहाँ गायब की है तुमने मेरी ज्वेलरी? पहले जरा तुम जवाब दो मुझे, अगर ये बात तुम्हारे इल्म में थी तो मुझे क्यों नहीं बताई तुमने? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? क्या बताती, कोई हासिल वसूल होता तो बताती ना मैं आपको। हद है, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। क्या कह रही है तुम्हारी माँ, कौन है ये ब्लैकमेलर? ये ठीक कह रही है, ज्वेलरी मैंने ही बेची, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अपने ही घर में चोरी करते शर्म नहीं आई तुम्हें? तो और क्या करता मैं, क्या करता हूं? आपकी मर्जी के बगैर ऑफिस से एक रुपया नहीं निकाल सकता, घर में आपकी बीवी की चलती है। वो बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मुझे और कुछ समझ नहीं आया, उसका मुंह बंद करने के लिए मैंने ज्वेलरी बेची और उसको पैसे दे दिए। अब प्लीज इसके बारे में मुझसे और कोई सवाल ना करें, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। ढिटाई देखिए इसकी, अपनी गलती करके कितनी खूबसूरती से हमारे सर डाल दी इसने। मेरी सारी सारी ज्वेलरी बेचती उसने, सारी ज्वेलरी बेचती मेरी उसने। तुम बैठो और बैठ के रोती रहो, इसीलिए सर चढ़ाया था ना, इसी की तारीफ करते तुम्हारा मुंह नहीं थकता था। और मजे की बात तो यह है कि हम कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चोर हमारा अपना बेटा है। भुक तो मैं पानी लेके आ रही हूँ। ये तूने क्या किया, सनी के चक्रों में पड़ गया है मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AY डिजिटल YouTube चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।